नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 जेके एलएच में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेके एलएच प्राइम टाइम। 20 अप्रैल को पुंछ में हुए आतंकी हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। इस हवाले से सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी जानकारी मिली है। कहा जाता है कि इस आतंकी हमले के लिए एक स्थानीय गुज्जर ने आतंकियों की मदद की थी और आतंकियों को तमाम सामान भी एक तरह से मुहैया कराया था। सूत्रों से यह भी खबर मिली है कि तीन आतंकियों को 3 महीने तक एक घर में रखा गया था और तीनों आतंकियों को लोकल हैंडलर से निर्देश भी मिल रहे थे। तो पुंछ हमले की पूरी साजिश पाकिस्तान में रची गई थी, यानी पुंछ हमले में एक बार फिर पाकिस्तान का नापाक चेहरा उजागर हुआ है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे जेकेएलएच प्राइम टाइम में। तो पुंछ हमले में 5 जवान शहीद हुए थे और इस हमले के तार अब सीधे सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं और किस तरह से पूरी स्क्रिप्ट इस हमले की लिखी गई थी वो तमाम चीजें अब एक तरह से उजागर हो रही है और निकलकर सामने आ रही है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि लोकल सपोर्ट से यह हमला पाकिस्तान ने किया था। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ कुलदीप खोड़ा जी हैं जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, कर्नल एसएस पठानिया साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, अजय भारती साहब हैं, एक्स एमएलसी हैं बीजेपी के और स्पोक्स पर्सन हैं। कुछ देर में हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले कुलदीप खोड़ा जी आपसे ही सर शुरुआत करना चाहूंगा। सर, पुंछ में 20 तारीख को जो हमला हुआ था इसमें तो दो राय नहीं थी कि यह पाकिस्तान की ही एक नापाक हरकत है, लेकिन सर चौंकाने वाली बात यह कि अब इस हमले को लेकर जो स्क्रिप्ट लिखी गई, जो पहले से प्लानिंग की गई कि जो लोकल वहां पर हैं, जो गुज्जर हैं, उनका एक तरह से सहारा लिया गया, लोकल सपोर्ट रहा इसमें। देखिए, कोई भी टेररिस्ट बिना लोकल सपोर्ट के ऑपरेट नहीं कर सकता है जी। वो चाहे कश्मीर हो या जम्मू हो या पुंछ कोई भी एरिया हो या छत्तीसगढ़ हो, उसके लोकल सपोर्ट जब तक ना हो, लोकल शेल्टर और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकल जो उनको लॉजिस्टिक्स की जरूरत होती है, तब तक ये चीजें नहीं होती है। जहां पर लोकल सपोर्ट ना हो वहां पर टेररिस्ट पनप नहीं पाता है और वो एक्सपोज हो जाता है और इंटेलिजेंस के जरिए उसकी खबर पहुंच जाती है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो इसलिए बड़ा लाजमी है कि इसमें पहले लोकल सपोर्ट की जो देखना था कि वहां पर ओजीडब्ल्यूज कौन है, ओवरग्राउंड वर्कर्स और कौन कौन है इस टाइप के लोग जिनकी हरकतें मशकूक हैं जी, तो ये सब चीजें इसमें जो जो जिस पे गौर करना चाहिए आगे के लिए ताकि इस टाइप की हरकतें रिपीट ना हो। लेकिन साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो इंसिडेंट हुआ, इससे पहले रजौरी में भी इसी टाइप का इंसिडेंट हुआ और उसमें भी पहले जो खबरें आई थी कि जी जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था कि कौन है ये, क्या है, लोकल है, फॉरेनर है, और बाद में ये साबित हुआ कि ये पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर एक्शन टीम जो एक कमांडो टाइप के लोग होते हैं वो भेजे गए थे, वो बॉर्डर करके क्रॉस करके आए थे और बॉर्डर वापस चले गए। तो इस ये जो अभी एक्शन हुआ जी, तो इस पर भी बड़ी क्लियर थी पहले से बात, ये रिपीट है इंसिडेंट जो रजौरी में कुछ महीने पहले हुआ और इसमें भी उनकी जो बॉर्डर एक्शन टीम वो इन्फिल्ट्रेट करके आई और उसमें एक बात जो सामने आई कि दिगवार से शायद उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया जो एक बॉर्डर एरिया है और दिगवार में बॉर्डर बिल्कुल वो प्लेन बॉर्डर है, वहां आज अगर वो चौकसी ना हो उस बॉर्डर पे, वो प्लेन रास्ता है, उसमें आर पार कर सकते हैं लोग। और लाजमी बात है कि इसमें हमने बॉर्डर मैनेजमेंट पे भी देखना पड़ेगा कि आगे इस टाइप की इन्फिल्ट्रेशन ना हो, क्योंकि ये रिपीट इंसिडेंट हुआ है रजौरी का। और साथ साथ में एक 3-tier सिक्योरिटी जो होती है, जो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है कि वो इनफोर्स थी, तो उसमें कहां खामियां थी वो भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि जो एरिया डोमिनेशन होती है, जो काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड होता है, उसमें एरिया डोमिनेशन में अगर किसी टाइप की हरकत हो या कोई मशकूक हरकत हो उसमें वो सामने आती है। और तीसरा लेयर जो है सिक्योरिटी का वो रोड पब्लिक पार्टी है
और रोड ओपनिंग पार्टी अगर थी वहां पे तो उनसे कैसे चूक हुई कि वो टेररिस्ट आए, अटैक भी किया बड़े आराम से, उन्होंने गाड़ी को जलाया भी और उसके साथ साथ उनके हथियार भी ले गए, तो उन्हें बड़ी फुर्सत से आराम से ये काम किया। तो ये सब एक सबक है आगे के लिए ताकि इस टाइप का रिपीट इंसिडेंट ना हो, क्योंकि पाकिस्तान की जो हरकत है वो बाज नहीं आएंगे और जब तक उनके लिए ये इस टाइप के इंसिडेंट करने उनके लिए बड़े कॉस्ट हैवी नहीं हो, जैसे उड़ी में हमारी तरफ से रिस्पांस हुआ था या बालाकोट में रिस्पांस हुआ था जी, उसी टाइप का रिस्पांस होना चाहिए बल्कि उससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। तो दोनों चीजें इसमें है कि एक्सटर्नली कैसे डील करना उनके साथ जी, और इंटरनली हमारी क्या क्या उसमें है कि इंटेलिजेंस में कोई उसमें और अपग्रेडिंग की जा सकती है, और साथ साथ में हमारी जो थ्री लेयर सिक्योरिटी है बॉर्डर और सीआई ग्रेड और आरओपी उनको कैसे हमने मजबूत करना है आगे के लिए इस टाइप के इंसिडेंट ना हो। बिल्कुल, यानी अपना इंटेलिजेंस और इसके अलावा जो सिक्योरिटी है सब पर एक बार फिर से गौर करना होगा कि आखिर कमी कहां पर रह गई, ये चूक कहां पर हो गई है। मेरे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान है, एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वो भी मेरे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, आपका भी बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं कर्नल एसएस पठानिया जी, बहुत तफसील में कुलदीप खुड़ा जी ने तमाम चीजें बताई, लेकिन एक तश्वीश की बात तो है, परेशानी की सर एक बात यह है जो इस हमले को लेकर निकल कर आ रही, क्योंकि जिस तरह से कुलदीप खुड़ा जी ने कहा कि इससे पहले डांगरी राजौरी अटैक की अगर हम बात करें तो वहां पर भी कुछ इसी तरह से हमला किया गया था, एक तो क्या हमने उससे कोई सबक नहीं लिया, और दूसरे की लोकल सपोर्ट की अब जो बात आ रही है सबसे दुश्वारी की बात यह है। देखिए अबू जी, एक चाइनीज के बहुत बड़े माओ ज़ेडोंग ने एक बार कहा था कि इंसर्जेंसी के बारे में कि इंसर्जेंट इज लाइक ए फिश इन द वाटर, और जो पानी बनता है वो लोगों से बनता है, जब तक वो पानी रहेगा तब तक वो जो फिश है वो सरवाइव करेगी, जिस दिन आप फिश को पानी से अलग कर देंगे तो वो फिश जो है खत्म हो जाएगी। अभी हमारी जो अगर हम लोकल सपोर्ट की बात करते हैं तो ये पानी है जिसके अंदर टेररिस्ट सरवाइव करते हैं, अभी सवाल ये है कि इसको इन दोनों को सेपरेट कैसे किया जाए। अभी इस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, मैं पहले आपके चैनल के माध्यम से अब तमाम दर्शकों को और जो आज हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं छत्तीसगढ़ में उनके लिए उनको ट्रिब्यूट देता हूं और उनके परिवार के लिए अपनी डीप कंडोलेंसेस भेजता हूं। अभी सवाल है कि ये चीजें लगातार क्यों हो रही हैं, क्योंकि अक्टूबर 2021 में हमारे नौजवान वहां पे शहीद हुए थे जिसमें एक जूनियर कमीशन अफसर भी था, उसके बाद डांगरी वाला केस हुआ, सर्च ऑपरेशन चलता रहा, कॉम्बैट ऑपरेशन चलता रहा, ये लोग वहां से गायब हो गए, अभी भी जो इनका कोई अभी वेयर अबाउट्स नहीं है कि ये लोग कहाँ चले गए। और ऐसे ऑपरेशन जो प्लान किए जाते हैं, मैं आपका थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगा, ये ऑपरेशन ओवरनाइट नहीं एग्जीक्यूट किए जाते हैं, इसके लिए प्लानिंग की जाती है, और इसमें जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं मुनीर साहब, वो एक जिहादी हैं बेसिकली, और वो चाहते हैं कि दोनों खितों के अंदर कश्मीर एज वेल एज जम्मू के अंदर इक्वल फायर जो है वो लगाई जाए, ताकि हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है ऑफ स्विचिंग ओवर द फोर्सेस फ्रॉम वन रीजन टू अनदर इज दैट इज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। अभी ऐसे ऑपरेशन जो आते हैं, सबसे पहले आप एक टारगेट सेलेक्ट करते हैं या एक मिशन बनाते हैं, उसके लिए आप उसके बाद उनके लिए आप जो सुटेबल पर्सन है उनको इकट्ठा करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको मोटिवेट देते हैं, उसके बाद आपने इनको वहां से इन्फिल्ट्रेट कराना है, इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए आपको गाइड चाहिए, लोकल सपोर्ट चाहिए, उसके बाद ये लोग जो है एक शेल्टर ढूंढेंगे, अपना खाने पीने का बंदोबस्त वो भी लोकल सपोर्ट चाहिए, उसके बाद ये लोग एम्बुश साइट जो इन्होंने सेलेक्ट की है उसकी रैकी करेंगे, उसको निगरानी में रखेंगे, उसके बाद अपना जो प्लान एग्जीक्यूट करके फिर ये एक्सफिल्ट्रेट करेंगे। तो आप देखिए ये बहुत लंबा प्रोसेस है और जिसके अंदर बहुत टाइम चाहिए। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। अभी कमियां कहां पर हैं? कमियां हमारा जो बॉर्डर मैनेजमेंट है उसके अंदर कहीं ना कहीं तो कमी है, बिकॉज ये तकरीबन 2 साल के अंदर 3 इंसिडेंट हो चुकी है, तो वो हमें उसके ऊपर पूरी तरह से तवज्जो देना पड़ेगा, जहां जहां पर भी लूप होल है उनको प्लग करना पड़ेगा, और साथ ही इसके अंदर जब तक डर नहीं होगा, हमारे पास ऐसे लॉ नहीं होंगे कि लोग, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि एक गुजर के घर में 3 महीने रहे, लोकल सपोर्ट भी मिलती रही, तो ये सारी चीजें ये जो ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल्स हैं इनको पूरी तरह से डिसमेंटल करना पड़ेगा। जम्मू रीजन में जो सिचुएशन है वो और भी ज्यादा खराब है, क्योंकि यहाँ पे ये अपनी एक्टिविटीज जो है वो ड्रोन के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं जी।
तो कश्मीर में वो पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन यहाँ पर ड्रोन का जो यूज अभी आप देखेंगे पंजाब और J&K दोनों के अंदर वो ड्रोन का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए डिलीवरी सिस्टम, वेपन के लिए भी, ड्रग्स के लिए भी, पैसे के लिए भी, सारी चीजें जो है उसका वो ऑप्टिमल यूज कर रहे हैं। अभी इनको रोका कैसे जाए उसके लिए एक यूनिफाइड कमांड जो है मेरे अपने हिसाब से जरूरी है, और मैं आपको ये रिकमेंड भी करता हूं कि इस समय जम्मू एंड कश्मीर को एक सिक्योरिटी एडवाइजर की जरूरत है जो गवर्नर साहब को इन मामलों के ऊपर पूरी तरह से जानकारी देता रहे, क्योंकि सिचुएशन जो है अगर आप आने वाले समय में देखेंगे, अभी G20 भी हमने होल्ड करना है अगले महीने, बिल्कुल G20 को मद्देनजर रखते हुए हमारा जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ग्रिड है उसको पूरी तरह से रिवैम्प करना पड़ेगा, लोकल पुलिस का पूरी तरह से यूज करना पड़ेगा, और नैरको और ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इसको एक ही तरीके से हल करना पड़ेगा, जिसके अंदर लोगों का रोल भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग जो है वो आपकी आंख और कान बनते हैं। और जिस दिन ये लोग ये बिलीव करेंगे कि हमने अपने नेशन को डिफेंड करना है, हमने ऐसी हरकतें नहीं होनी है, क्योंकि नुकसान तो हमारा ही हो रहा है ना, बिल्कुल हमारे लोग मर रहे हैं, नहीं बिल्कुल ये बिल्कुल अब ये तो देखना होगा, बिल्कुल जिस तरह से कर्नल SS पठानिया आप करें कि लूप होल्स कहां पर हैं, कमी कहां पर रह जा रही, इस पर भी हम सर चर्चा करेंगे, और कहां पर काम करने की अभी भी जरूरत है। मैं बहुत जल्दी से डिबेट में अजय भारती साहब और एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल को भी जोड़ लेता हूं। अजय भारती जी, आपकी सरकार या बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस आतंकवाद की बात करती थी, इंटेलिजेंस की बात करती थी और सिक्योरिटी चाक चौबंद होने की बात करती थी, लेकिन यहां पर तो अब इंटेलिजेंस फेल्योर एक तरह से नजर आ रहा है, कमी कहां पर रह जा रही है, जीरो टॉलरेंस तो यहां पर नजर नहीं आ रहा है। और सबसे जो परेशानी और दुश्वारी की बात है अजय भारती साहब कि आप कश्मीर छोड़ दीजिए, जम्मू में आतंकवाद बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ये एक चिंता का कारण तो है ही, लेकिन टॉलरेंस में इसके अगेंस्ट जो टेररिज्म में टॉलरेट करने का तो कोई प्रश्न खड़ा होता नहीं है। लेकिन मैं दो तीन चीजों की तरफ, एक तो हमारे चाहे कर्नल पठानिया जी हो या खुड़ा साहब हो, उन्होंने डिटेल में बता दिया है, और खासकर खुड़ा साहब तो यहाँ पर एक लंबे समय पर एक बहुत ही सक्सेसफुल टेन्योर पुलिस चीफ के नाते उनका रहा है। लेकिन दो चीजें, एक देखें, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर पिछले दिनों में कुछ डेवलपमेंट हुई है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो गुजर समुदाय हो चाहे वो पहाड़ी कबीला हो, उनके साथ जो वर्षों से अन्याय हो रहा था उसको समाप्त करने का एक प्रयत्न किया। तो यहां पर कुछ ऐसे, जिसको मैं कहने में कोई हर्ज नहीं, गैर जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टीज इस प्रकार से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि उनमें से एक रिजेंटमेंट को क्रिएट करके ताकि उसको फिर पाकिस्तान एक्सप्लोइट कर सके। अगर आपने देखा होगा कि मैं बहुत ही रेस्पेक्टफुली डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट करता हूं, अभी यहां पर शुरुआत ही इन्वेस्टिगेशन हुई तो उन्होंने बता दिया जी कि हैरेसमेंट हो रहा है। जब आप इस तरह का एक स्टेटमेंट देना शुरू करते हैं तो जो हमारा एनिमी सरहद पार बैठा है उसको एक्सप्लॉइट करने में बहुत आसानी रहती है। लेकिन इस सारे के बावजूद भी इसमें एक एलिमेंट और भी जो हमें नजर आता है वो कंप्लेसेंसी भी काफी था, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये ड्राई डे था उस दिन, ये एक लोन ट्रक, ये जो गाड़ी थी वो इफ्तार पार्टी अरेंज करने के लिए वहां पर कुछ माल लेकर, वो जो इफ्तार के लिए सामान लेकर जा रही थी, तो कहीं ना कहीं इसमें शायद वो एक एलिमेंट ऑफ कंप्लेसेंसी भी था, क्योंकि लोगों के साथ जिस प्रकार से अभी वहां पर एनवायरमेंट बना हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेज, और उसमें शायद वहां पर कहीं ना कहीं चूक हुई है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है जो इसको हैंडल कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में इसको हैंड कर रहे हैं, वो इन सारी चीजों को, जहां कमी अगर किसी ने डिलिबरेटली की है तो उसको भी देखेंगे और आगे ऐसा रिपीट ना हो, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि इसी एरिया रिपीट आप बात रिपीट की कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इससे पहले डांगरी में भी तो इसी तरह का वाकया हुआ है, इसी तरह का अटैक हुआ है, तो सबक कहां ले रही है सरकार, आप लोग सबक कहां ले रहे हैं? इससे खत्म नहीं हुआ वो सूरज ऑपरेशन, या उस पर जो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये डिफिकल्ट टेरेन भी है, उसको भी हमको नजरअंदाज नहीं करना होगा ना। चलिए ठीक है, मैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब आपके पास आऊंगा। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, सर क्योंकि आप इसी इलाके से आते हैं राजौरी और पुंछ की अगर हम बात करें, और इससे पहले यहां पर डांगरी जैसा अटैक हुआ भी, और उस हमले में भी यही बात निकल कर आ रही थी कि लोकल सपोर्ट से इस तरह के हमले हो रहे हैं, कितनी सच्चाई आपको इसमें नजर आती है? क्योंकि पुंछ का जो अटैक हुआ है इसमें तो ये चीजें निकल कर आ रही हैं, जिस तरह से एक गुजर फैमिली का लिंक इसमें निकल कर आया है सामने। किसी एक फैमिली का किसी भी एक घर में
अगर वो ठहरे हैं वो, या तो उससे आप ये नहीं कह सकते कि लोकल सपोर्ट है। जो ढांगरी का आपने बताया जो पिछले दिन हादसा हुआ, बड़ी बेदर्दी से यहाँ के लोकल लोगों को बताया गया, उनको शहीद किया गया, उसमें भी लोकल सपोर्ट तो हमें मिली नहीं, क्योंकि वो जो एरिया है उस एरिया में पहली बात तो ये है कि भाई वहाँ एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, ढांगरी जो एरिया है। दूसरा ये जो कहना है कि वहां डिफिकल्ट टेरेन है, तो ढांगरी में कोई डिफिकल्ट टेरेन नहीं है, इट इज प्लेन, बहुत दूर है, जो जंगल का एरिया वहां से बहुत दूर है। तो ये बहुत ही मुश्किल काम है कि वहां कोई वारदात करके, कोई टेरर एक्ट करके वहां से एकदम कोई बिजली की चमक तो है नहीं कि भाई यहां से चमक के तो वो सेकेंड्स के अंदर जंगल में घुस जाएगी। वो भी हमारा फेलियर है। नहीं, लोकल सपोर्ट होगा तब तो हो सकता है ना, मुझे नहीं लगता। अगर अगर लोकल सपोर्ट होगा तो ये तमाम चीजें मुमकिन है। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें कहीं भी ढांगरी के एरिया में कहीं भी लोकल सपोर्ट की कोई भी निशानी नहीं मिली है। नहीं, पुंछ पुंछ के इस अटैक की हम बात कर रहे हैं, पुंछ के इस हमले की हम बात कर रहे हैं। जी, पुंछ के अटैक में भी अभी इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज पे है, लेकिन जिस तरह की ये पोर्ट्रे किया गया है कि पुंछ रजौरी में जो लोकल है वो सिविलियन यानी सपोर्ट है, तो मुझे ऐसे पिछले कई अरसा से मैं उस इलाके में ग्राउंड लेवल पर जुड़ा हूँ, मुझे नहीं लगा कि कहीं से भी, हालांकि मैं बताऊँ आपको, नाराजगी जरूर है लोगों में एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत सारे मामलात पर, लेकिन इस मामले में एक खुशाइन बात ये है कि पुंछ रजौरी में आपको इस जो आइडियोलॉजी है टेररिज्म की, उसकी सपोर्ट कहीं भी लोकल, आपको कोई भी आदमी इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सफर किया है। ये हम डिबेट में बैठकर, मैं जम्मू में या दिल्ली में बैठकर बड़े मजे से बातें कर सकता हूं, लेकिन जो आदमी वहां रहता है ना, उसको पता है कि मैंने कितना सफर किया है। मेरी अपनी फैमिली के क्लोज फैमिली रिलेटिव्स जो हैं वो विक्टिम बने हैं टेररिज्म को, वो लोग मौत के घाट उतारेंगे, बेदर्दी से मारेंगे, बेदर्दी से। तो हम ये सोचना इस वक्त के भाई वहां कोई लोकल सपोर्ट, हाँ मजबूरी जो है वो ये है कि अगर कोई गन वील्डिंग आदमी किसी के घर में घुसता है तो उसको पता है कि मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मुझे इससे मरना है या मुझे इसकी बात माननी है, खाना देना है इसको, तो उसको लोकल सपोर्ट। ठीक है, मुझे अभी अभी ब्रेक पर जाना है, इसे कुलदीप खोटा जी से और कर्नल एसएस पठानिया जी से और हम समझने की कोशिश करेंगे जो लोकल सपोर्ट बढ़ा या जो पुंछ हमले में लोकल सपोर्ट की बात निकलकर सामने आ रही है। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो पुंछ अटैक के सीधे सीधे जो तार हैं वो पाकिस्तान से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और पाकिस्तान की पूरी साजिश रची हुई है जिसमें हमारे पांच जवानों की शहादत हुई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर गलती कहां पर हो गई या कमी कहां पर रह गई, और पाकिस्तान की इस गलती का जवाब किस तरह से दिया जाएगा, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं ब्रेक के बाद कुलदीप खुड़ा जी आपके पास ही आऊंगा। सर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये आतंकवादी या टेररिस्ट जो आते हैं अपने साथ कोई मोबाइल फोन, जीपीएस या इस तरह की चीजें तो लाते नहीं है, जाहिर सी बात है कि इनके साथ लोकल सपोर्ट जब होता होगा तभी ये इस तरह की कायराना हरकत कर पाते हैं। लेकिन जिस तरह से एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब कह रहे थे कि ये चीजें नहीं है राजौरी या पुंछ के एरिया में, सच्चाई क्या है सर, किस तरह से इस तरह के अटैक होते हैं वो अंजाम दिए जाते हैं? देखिए, मैं थोड़ा इसमें वजाहत से बताऊं जी कि ये जो अटैक हुआ ये कोई ऐसे नहीं है, जैसे उन्होंने खुद कहा कि बिजली की चमक तो है नहीं कि आई और गई। इसके लिए बाजप्ता वो प्लानिंग होती है, और वो और ये भी अचानक ये नहीं है कि अचानक कोई गाड़ी आई, ये वहां पे थे तो उन्होंने उस पर अटैक किया। इसमें रिकी की जाती है काफी दिन, ये पैटर्न देखते हैं क्या है। इन्होंने देखा होगा कि आर्मी की गाड़ी सिंगल भी चलती है, इन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कई दिन तक कि आरोपी किस दिन लगती है किस दिन नहीं लगती है। तो ये सब चीजों में टाइम लगता है, और इन्होंने अपनी उन दिनों के लिए जब तक वो वहां ठहरे हैं तब तक इन्होंने ये भी देखना है कि हम अपना जो मिशन है वो अंजाम देने से पहले कहीं नहीं टारगेट हो जाए, इसलिए वो अपना आपको एक्सपोज भी नहीं करते हैं, और इसलिए लोकल सपोर्ट के बगैर ये कभी कार्रवाई नहीं हो सकती है, ये तो बड़ी क्लियर बात है। तो उनका जो ये कहना है कि ये लोकल सपोर्ट
है कि नहीं है कि अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता होगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद यही पता चलेगा कि लोकल सपोर्ट अगर दिया तो किसने दिया। अगर डांगरी अटैक में लोकल सपोर्ट का अभी तक नहीं आया तो उसका मतलब ये नहीं है कि लोकल सपोर्ट नहीं था, लोकल सपोर्ट था कि अभी तक लेकिन नहीं मिला किसी के पास। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन की बात है कि उसमें कहां तक वो प्रोफेशनली कैरी आउट की गई और क्यों नहीं वो तय कर पाया कि कहां से लोकल सपोर्ट उनको मिला। और जहां तक ये इन्फिल्ट्रेट करके आए और फिर एक्सफिल्ट्रेट भी जब वाकई किया होगा, इनका मिलना मुश्किल है। डांगरी में भी नहीं मिले, ये भी चले गए होंगे जहां तक, जैसे ये अभी तक मैं अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूं। और उसके साथ साथ जो है कि कोई ऐसी बात नहीं है कि खबर उसको जान का खतरा है इसलिए वो खबर नहीं दे सकता है। हमारे जो ऑपरेशन रहे हैं, मैं 5 साल रहा इंटेलिजेंस का चीफ भी रहा, मैं 5 साल में डीजीपी भी रहा, तो मैक्सिमम इंटेलिजेंस हमारी लोगों से आती है। 90% लोकल इंटेलिजेंस जो आती है वो लोकल लोगों से आती है, बिल्कुल। और ऐसी बात भी नहीं है कि वो एक्सपोज होते हैं, कोई एक्सपोज नहीं होता है। 10 तरीके होते हैं इन्फॉर्मेशन देने के, और ये ऐसी कोई बात नहीं, कोई तलवार नहीं रखता गर्दन पे तुम किसी को नहीं बताओ, और तरीके होते हैं आने जाने के, बताने के, बिल्कुल। तो ये बड़ा मोस्टली हमने देखा है इन्वेस्टिगेशन तरीके से तमाम चीजें अंजाम दी जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, वेल प्लान तरीके से। और पहले भी जो ये आते हैं इन्फिल्ट्रेट करके, ये देखते हैं कि कौन से घर में हम ठहरे जहां पे हमें विलिंग सपोर्ट मिलेगा। ये ऐसा चांस नहीं लेते हैं कि हम ऐसे घर में जाए जहां से हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ जो इन्फिल्ट्रेशन एक्सफिल्ट्रेशन के लिए भी जो गाइड होते हैं वो भी लोकल ही होते हैं, वो कोई फॉरेन से नहीं आते हैं कहीं और मुकाम। बिल्कुल, और बड़े बड़े तो बड़े पहले से तमाम तैयारियां एक तरह से की जाती है और तमाम बारीकी से एक तरह से इस पर तैयारी होती है। मैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, सर इस तरह के जब वाक्य होते हैं तो इस पर सियासत क्यों होती है? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का इससे पहले डांगरी के मामले पर बयान आया था, तो इस पाकिस्तान की लगातार पाकिस्तान इस तरह की साजिश करता है, चाहे इससे पहले कई वाक्य हो चुके, तो इस तरह के वाक्यात पर सियासत क्यों होती है? खुलकर हम अपोज क्यों नहीं करते हैं? खुलकर अपोज करने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम जो वहां लोकल लोग हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, उनको हम लोग सताना शुरू कर दें। तो फारूक साहब ने ये कहा कि लोकल को सताया ना जाए। हाँ, जो इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जाए। एनआईए उसको इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब उसका मतलब ये भी तो नहीं है कि भाई आप क्या करो कि जितने लोकल लोग हैं सबके तलाशियां लेने शुरू कर दो और सबको क्या करो कि लाइन में खड़ा करके को आई कार्ड दिखाओ। तो मैं एक कुलदीप साहब, तो खैर खुदा साहब जो हैं वो यहाँ डीजी भी रहे हैं और कहते हैं कि मैं इंटेलिजेंस को भी लीड किया है, वो मुझसे बेहतर जानते हैं कि ये जो टेररिस्ट लोग जितने भी आते हैं बॉर्डर से, ये टारगेट बना के आते हैं। अब ये कहना कि नहीं जी उन्होंने रैकी जरूर की होगी, उन्होंने बहुत पहले भी की होगी, अब ये भी नहीं पता कि वो कितने देर से वहां, इतना घना जंगल है बीजी के, जब बीजी आप क्रॉस करो तो इट्स अ वेरी डेंस फॉरेस्ट, तो पता नहीं वो कितने दिन से रैकी कर रहे होंगे। उन्होंने जब देखा होगा भाई एक तन्हा गाड़ी जा रही है तो मौका देके अटैक किया होगा। लेकिन वहां से जो मतलब आम जो रेजिडेंट्स हैं उनसे जो इंफॉर्मेशन मिली कि वहां लोकल कोई आदमी ना तो अभी इस मिलिटेंसी में इन्वॉल्व है, ना ही किसी की कोई विलिंगली सपोर्ट है। नहीं, सपोर्ट जिस तरह से कुलदीप खुड़ा जी ने कहा कि भाई लोकल इंटेलिजेंस तो उसमें शामिल रहता है, लोकल सपोर्ट तो कहीं ना कहीं होता है जी। लोकल इंटेलिजेंस, अजय भारती जी आप बीच में जल्दी से बोल सकते हैं, समय मेरे पास बहुत कम है जी। लोकल इंटेलिजेंस पुलिस की भी होती है, आर्मी की भी। डॉक्टर अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट आया था कि क्या अगर वो कैसे पता करेंगे कि कौन इन्वॉल्व था, जिन लोगों को डिटेन किया तो जो सस्पेक्ट्स थे उनमें से कुछ को छोड़ा भी कुछ को रखा। जम्मू में ब्लास्ट होता है तो क्या के पास और कौन सा प्रूफ है कि वो किसको कैसे करेंगे? फिर 2 फैमिलीज को डिटेन किया हुआ है, उन्होंने एक जो पीछे अपने यहाँ क्रॉस एलओसी के पार बैठा हुआ है रफीक मेंडर्स का, उसके बारे में बताया है, इरफान गुजर के बारे में। मेरा सिर्फ एक चीज निवेदन है कि हम जनरलाइज नहीं करते कि जाए ये गुजर कम्युनिटी सपोर्ट कर रही है या पहाड़ी कबीला सपोर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। हर कम्युनिटी के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सचमुच में इनके सपोर्ट होते हैं और उनको पॉलिटिकल शेयर हर कम्युनिटी में से है। आप क्या कहते हैं जम्मू में जो
ड्रोन आकर यहाँ सामान फेंकता है तो वो जम्मू वाले ड्रोन तो किसी के हेल्प से नहीं आता ना, ड्रोन तो भाई एयर में आता है उसमें तो ऐसा नहीं, तो लोकल सपोर्ट वहां नहीं होता है इसीलिए वो पकड़े जाते हैं, इसीलिए वो गिराए जाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि पूरा समाज वहां पर भी सपोर्ट इसका नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल क्लियर है, वो जोकदर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है, लेकिन वहां पर बैठे हुए लोग में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको यहां पर पॉलिटिकल शेयर एलिमेंट हर जगह है, वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके सांबा में भी एलिमेंट्स हैं, बगैर देखिए लोकल सपोर्ट के इस तरह की नापाक हरकतें तो नहीं हो सकती, लोकल सपोर्ट तो रहता है और पुंछ के अटैक में भी ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन कमी कहां पर रह जा रही है, क्या हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के वाक्य हुए, क्या हमने उससे सबक नहीं सीखा है, ये इस पर एक तरह से गौर फिक्र करना होगा। मैं कर्नल SS पठानिया जी, सर समय की कमी, दोबारा आपके पास नहीं आ सका, बहुत बहुत माजरत, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, कुलदीप खोड़ा जी, एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, अजय भारती जी और कर्नल SS पठानिया जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, नमस्कार।